हाय चेंज मेकर्स, गुड इवनिंग। उम्मीद है आप सब सकुशल होंगे। तो आज हम बात करेंगे नाबार्ड कंसल्टेंसी सर्विसेज के 18 जूनियर कंसल्टेंट्स के लिए। सो नाबार्ड, आप जानते हैं, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, ये बैंक है। लेकिन इसका एक होली ओन्ड कंपनी है, नाबार्ड कंसल्टेंसी सर्विसेज, ठीक है, नैबकॉन्स। वो एक लाइक लीडिंग कंसल्टेंसी ऑर्गेनाइजेशंस है। तो 18 कंसल्टेंट्स के पोस्ट हैं, जूनियर कंसल्टेंट्स के। 40,000 पर मंथ का स्टाफ, इसमें रेमुनरेशन है, राइट। और इसमें 18 डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स में आपका पोजीशन होगा, राइट। सो 18 कंसल्टेंट एक एक स्टेट्स में रखा जाएगा। आप इंडिविजुअल स्टेट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, राइट। सो इसमें हम लोग थोड़ा सा और आगे समझते हैं। तो जो जूनियर कंसल्टेंट है उसकी जो उसका जो रिक्वायरमेंट है, उसका जो जॉब रोल है, वो समझना बहुत जरूरी है। बिकॉज आप जब अप्लाई करोगे तो यू हैव टू अंडरस्टैंड कि आपको किस तरह से अप्लाई करना चाहिए। तो जो प्राइमरी ड्यूटीज रहेंगी जूनियर कंसल्टेंट की, वो रहेंगी कि जो भी वर्क है, जो जो उनको एक रीजनल एलोकेटेड एरिया है, उसमें एक स्मूथ इम्प्लीमेंटेशन करना, देखना, ठीक है, प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंटेशन के सारे आस्पेक्ट्स को देखना, राइट, फीडबैक DDM RO HO जो वहाँ पे ऑर्गेनाइजेशंस में काम कर रहे होंगे उनको गाइड करना, कोऑर्डिनेटिंग विद गवर्नमेंट और अदर डेवलपमेंट एजेंसीज डिस्ट्रिक्ट स्टेट लेवल पे, बैंक PIAs और इन सब के साथ काम करना, ऑल स्टेक होल्डर के साथ लाइजनिंग, रेगुलर विजिट करना प्रोजेक्ट्स का। तो ये सारे डिटेल में यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। डॉक्यूमेंटेशन भी आपका है जो आप अच्छे से करोगे। फिर हम आ जाते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पर। जूनियर कंसल्टेंट 18, ग्रेजुएशन एनी डिसिप्लिन में, किसी भी डिसिप्लिन में आपका ग्रेजुएशन हो 60% मार्क्स के साथ, राइट। डिजायरेबल एमल अगर आपका होता है पोस्ट ग्रेजुएशन, मतलब कोई भी PG होता है या फिर आपका MBA इन एनी डिसिप्लिन, ठीक है। बट ये है कि आपका ग्रेजुएशन है तो आप अप्लाई कर सकते हो। एक्सपीरियंस की अगर हम बात करें तो मिनिमम 3 ईयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए प्रमोटिंग और फाइनेंसिंग फार्मर्स कलेक्टिव एग्री बिजनेस एक्टिविटी, नॉन एग्री मार्केटिंग, वैल्यू चेन मार्केटिंग, नेटवर्किंग विद गवर्नमेंट एजेंसी, बैंक्स, जो NGOs के साथ काम करते हैं, VAs और ETC। आप सोशल सेक्टर में भी काम कर रहे हैं और इस तरह का काम है जो जॉब रोल है, आप अप्लाई कर सकते हो। आपको फार्म सेक्टर का जो एक्टिविटीज़ है उनके अराउंड एक नॉलेज हो, वर्क एक्सपीरियंस हो आपका NGO सेक्टर का क्लस्टर डेवलपमेंट में, गवर्नमेंट एजेंसीज और डिपार्टमेंट के साथ नेटवर्किंग हो, बेसिक बुक कीपिंग एंड बैंकिंग अवेयरनेस हो, IT, रिपोर्ट जनरेशन, डेटा कलेक्शन, इन सब के अराउंड नॉलेज होना चाहिए। और वर्नाक्यूलर लैंग्वेज, आप जिस स्टेट में अप्लाई कर रहे हैं वहाँ के वर्नाक्यूलर लैंग्वेज का आपको प्रोफिशिएंसी होना चाहिए। तो जो एज क्राइटेरिया, दैट इज 25 ईयर्स मिनिमम एंड 35 ईयर्स मैक्सिमम, 25 से 35 ईयर्स के एज ऑन 1 जून 2023 में अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। रेमुनरेशन जैसे मैं पहले बता चुका हूँ, 40,000 पर मंथ का रेमुनरेशन है आपको मिलेगा। अलाउंसेस क्या है आपके, TA DA और अदर होटल अलाउंसेस यहाँ पे मेंशन है, 2,000 पर डे के लिए और 1,000 पर डे लॉजिंग के लिए, हाल्टिंग अलाउंस, ट्रेवल अलाउंस आपका 3rd AC का ट्रेवल टिकट मिलेगा, 250 पर डे ऑन डिक्लेरेशन बेसिस आपको आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंस मिलेगा। बाकी सारी चीज़ आप पढ़ सकते हो। इंश्योरेंस का आपका पर ईयर का है। तो एलिजिबिलिटी जो है आपकी वो हमने वहाँ पे समझ लिए, PF कॉन्ट्रीब्यूशन वगैरह भी वहाँ पे होगा, ठीक है। अब अप्लाई कैसे करना है, सो दिस इज फॉर कॉन्ट्रैक्ट ईयर्स 2 पीरियड, इनिशियली फॉर 2 पीरियड्स, ठीक है, और बाद में आपके प्रोजेक्ट के बेसिस पे एक्सटेंड हो सकता है 12 महीने तक, ठीक है। हाउ टू अप्लाई, एक लिंक दिया हुआ है, हमने लिंक डिस्क्रिप्शन में भी डाला है, आप वहाँ से भी अप्लाई कर सकते हो। तो जब आप इस लिंक पे क्लिक करोगे तो ये फॉर्म खुलेगा, यहाँ पे आप बहुत आसानी से नाम, जेंडर, बाकी डिटेल्स डालते हुए फिर नेक्स्ट लेवल पे जाओगे, एड्रेस वगैरह, स्टेट जिसमें आप अप्लाई करना चाहते हो, एंड देन मोबाइल नंबर, फिर नेक्स्ट में जाओगे तो आपको अदर डिटेल भरने को आएगा। बेसिक इंस्ट्रक्शन से 18 जुलाई मिडनाइट तक इसको अप्लाई करना है, मतलब आज से 3-4 दिन बाद आपको अप्लाई करके ख़त्म करना है। बाकी जनरल इन्फॉर्मेशन यहाँ से पढ़ सकते हैं। ये जो PDF है इसका लिंक भी है डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से भी इसको पूरा पढ़िए पहले अप्लाई करने से पहले, और ये जो एप्लीकेशन है इसका भी लिंक हमने दिया है, ठीक है। और भी अगर इस तरह के कुछ अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में आप देख रहे हैं तो स्टेप एड इंडिया वो प्लेस है जहाँ पे हम फेलोशिप, यंग प्रोफेशनल कंसल्टेंट, जूनियर कंसल्टेंट के अपॉर्चुनिटीज़ लगातार डालते रहते हैं। तो आप वहाँ पे आप हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसके साथ साथ जब आपका एग्ज़ाम वगैरह आएगा तो हम लोग उसमें भी आपको प्रिपरेशन में मदद करेंगे, ठीक है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो, अच्छा लगा, आपको लगता हो किसी को मदद हो सकती हो, तो आप शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब कर लें आगे के लिए, ताकि आपको अगले जो अपडेट्स हैं नौकरी के
जॉब्स के, वो आपको रेगुलर मिलते हैं। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, डू अप्लाई। और अगर कुछ सपोर्ट का जरूरत हो तो हमारे चैनल पे ऊपर नंबर दिया हुआ है, वहाँ से आप व्हाट्सएप के थ्रू कनेक्ट कर सकते हैं।